हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी भाइयों ने हैप्पी जन्माष्टमी। तो भाई जन्माष्टमी की आप सभी ने ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो आज है भाई नंदलाल का जन्मदिन और आज है अपना भी फास्ट, लेकिन आज पूजा वूजा नहीं हो पाई क्योंकि लेट बहुत हो गया। 10 बज गए, 9 बजे से उठा हुआ हूँ क्योंकि आज जाने का प्लान है कहीं। अब देखते हैं प्लान क्या रहता है आगे का। प्लान का तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि ऐसे ही रहता है। आप लोगों को पता है, काम वाम के चक्कर में कुछ पता नहीं रहता। तो भाई मिलते हैं, अभी जा रहे हैं ऑफिस में बहुत जल्दी में। तो भाई ऑफिस में जाके मिलते हैं, चलो भाई। हो कर दी भाई, आ जाए घर जाने का प्लान। और टाइम अभी टाइम टू टाइम ऑफिस से निकलना होता है और फिलहाल पहुँच चुका है शाम चौक के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से पकड़नी है ट्रेन, टाइमिंग है 15 मिनट और टिकट भी लेना है। देखते हैं आज कौन सा हो पाएगा नहीं। सांस चढ़ गए भागने, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत बहुत लंबा होता है। तो भाई अभी गाड़ी पहुंच चुकी है रेलवे स्टेशन पर, यह सामने का रेलवे स्टेशन। ट्रैफिक तो नहीं था आज, ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा, पता भी नहीं चला। रीज़न ये था कि आज सब कुछ जाम वगैरह रहता, जिसको घर पर जाना था वो नहीं जा चुका था और कोई ऐसा नहीं था जिसको जाना था। अच्छा कंपट नहीं आज गाड़ी में, ट्रेन में सब जाम पड़ा था। आप देख रहे हैं सब रास्ता भी खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, बढ़ता जा रही है ठंडी वजह से। गाड़ी रिजर्वेशन कर पाया हो, सामने का रेलवे स्टेशन है। सामने के रेलवे स्टेशन पर क्या बोलेंगे, देखो कोई भी देखने के लिए मिलना को उधर पूरा जल्दी है पूरा रेलवे स्टेशन पर। और बड़ी गाड़ी में जा रहा है, घूम के आराम से चैन से बैठ के जाएगी। तो अभी जो घर की दूरी है वो अभी रहेगी मिनिमम 5-7 मिनट की। और भाई फ्री लोग बनाने का यार थोड़ा सा चीज़ नहीं पता चलता था, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा आती है हमारे की। और मेरे पास में भी माइक वगैरह सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग या तो इस चैनल में ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हो, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ा रहे, ना वॉच वॉच आवर्स बढ़ रहे हैं। कैसे यार पॉसिबल होगा वीडियो का आपको चैनल। तो भाई जो भी माइक देख रहे हैं सपोर्ट जरूर करें, और कोई देख रहा है माइक को कमेंट जरूर कर देंगे जिससे थोड़ा वीडियो ट्रेंडिंग हो जाए। और भाई यहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है जन्माष्टमी का, कुछ में कराकर में फिर यहाँ से दिखाऊंगा। तो भाई ये सामने का रेलवे स्टेशन, और शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ फंक्शन हो रहा है। और सामने का रेलवे स्टेशन, सामने अब जिला हो चुका है भाई, लेकिन जिले वाली ऐसी कोई बात नहीं है जिसे जिला बोल सके, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई फ़ोन ना पहुँच ले तो मैं पीछे रख पाऊँ मोबाइल को, कभी कोई पहुँच कर रहा हूँ तो किसी को कोई भरोसा नहीं होता, पीछे रख पाऊँ मोबाइल को। आज के टाइम में किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते, कभी कोई हाथ मोटर भाग जाए तो उसके और मैं चिल्लाते रह जाऊँ। तो भाई ये है सामने पुलिस चौक की, आरपीएफ वालों की। और जा रहा है पीछे और जा रहे हैं उन्होंने से मिलने के लिए, यहाँ जा रहे हैं उन्होंने से मिलने के लिए। और पहले चैनल में दोनों का है सारी वीडियो, लेकिन इस चैनल में दोनों की वीडियो नहीं है, एक ही सिर्फ वीडियो है। तो भाई जनाब का जो दिखाना चैनल भाई इतना अच्छा कैमरा जो मैं अच्छी तरह से आपको दिखा सकूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं आपको वहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई कोशिश करो, खराब आइडिया मेरे बनाएगी और अच्छी खासी दिखाओ, और अच्छा खासा बनाओ और अच्छी खासी अच्छी खासी वीडियो बनाओ जिसमें आप लोगों को मजा आएगा। शायद आज काम प्रोग्राम हो सकता है और कपड़े कपड़े अभी धंधे में आपको प्रॉब्लम हो गया जरूर। रात का टाइम, तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने उस पर स्टेशन पे। और वीडियो आज कुछ पुरानी चीज़ें यादा हो गई है, तो जब भाई मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था तो यहीं को ही मेरा जाना होता था।
और रात का टाइम है इसमें वीडियो साफ नहीं आ रही, लेकिन हमारा यहाँ का यार बहुत पुराना रिश्ता है इन फाटकों से भाई, पूरे दो साल यहीं से गुजरा हूँ मैं इन्हीं फाटकों से। और मेरा फ्रेंड था शुभम, जॉब नहीं रहा अल्लाह कमीना, उड़ के चले गए जल्दी। और कई बार ऐसा होता था कि हम यहाँ पर पैर गिर के देखते थे, और वो बोलता था यहाँ पर पैर गिर के देख, यहाँ पर इस वाले में। तो क्या होता था जब फाटक ऐसे होती है ना तो उसमें पैर घुसता है, तो चैलेंज करता था वो मेरे को कि ऐसे ऐसे पैर गिर के देखो, इन पर कुछ चलने का चैलेंज, ऐसे देखो जैसे भाई साहब गिर जाऊँगा अब नहीं चले जाएगा। तो साला ऐसा होता था भाई, बहुत ही इस टाइम पर ना ढेर ज़्यादा मज़ा आता था इन चीज़ों में चलने में। और रात का टाइम है, नहीं दिख रहा है ज़्यादा साफ, और सबसे ज़्यादा डर होता था इनमें पैर फंसने का, और वो अधे बधे पे गए इनमें ही पैर रख रखता था, क्योंकि जैसे होता है ना फाटक इधर से इधर होती है तो इसमें पैर तक फंस जाता था। और कई लड़कों का, हमारे यहाँ के गाँव के जो लड़के थे, कहीं का सेम कहानी भी हुई है, सेम चीज़ें भी हुई है सबके साथ में। लेकिन क्या होता था ना कि बचपन था, मज़े थे अलग, और किसी चीज़ का कोई डर नहीं था, तो इस वजह से कभी भी हम इन चीज़ों को ले सीरियस नहीं होते थे, डरते नहीं थे, कभी कुछ भी होता रहा अरे छोड़ना अरे कुछ नहीं होगा, तो भाई ये चीज़ें हमारी रहती थी। आज पुरानी, अब मेरा गांव में आना भी 6-7 महीने बाद हुआ है, क्योंकि जब से यहाँ से शिफ्ट हुआ हूँ, शिफ्ट तो खैर काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था, मैंने 9th और हाई स्कूल यहीं से की थी, और मेरा कॉलेज भी फाटक के पास में था। और फाटक की जो फाटक होती है इन पर पत्थर रखना, ऐसे चीज़ें हमने बहुत करी, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन यार किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। और पत्थर टूट के लगने का सर में बहुत डर रहता है, और भाई रोमांच भरा जंगल जो बोलते हैं ना कि मज़ा लेट नाइट में, वो वाली चीज़ें यहाँ पर। चलो भाई चलते हैं आगे, और काफ़ी आगे आ चुका हूँ, तो बाद में बात करते। बूथ बनना है तू बूथ के माउस में गाँव में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कुछ कलाकार हमारे भाग ले रहे हैं, हमारी पार्वती मैया। तो भाई है चीकू, कैसी है तू, कैसी है, मजा ले रही है, काना जी बन रही है दादा, है चीकू क्या बन रही है क्या बन रही तू, बोल देनी भाई चीको तो कही है शर्मा, और भाई आज चल रहा है यहाँ पर प्रोग्राम, इसकी क्लिप भी मैंने बनाई है जो मैं डालने वाला हूँ, बोल चाल के तो नहीं लगाऊंगा, नहीं मेरे को वैरायटी जरूर लगेगा मेरी वीडियो में, और पहले की तरह मेरा चैनल फिर बंद हो जाएगा। तो भाई अभी डालने वाला हूँ, तो
भाई अभी बज चुके हैं 12 और अब हो गया व्रत खोलने का टाइम। और ये रहा हमारा आज का व्रत खोलने रसगुल्ला। सब पेड़े के साथ खोलते रहे, साथ खोलेंगे क्योंकि हमें रसगुल्ला ज़्यादा अच्छा लगता है और रसगुल्ला ही खाना हम पसंद करते हैं। तो चलो भैया मिलते हैं थोड़ी देर, खा मिलते क्या, कल मिलते हैं।